की आंख। गौरी तू बचा ले, यारी दोस्ती के नाते चेहरा तो याद होगा। फक यार, पॉपुलेशन ऑफ 7 fucking billion पीपल, मदद की जरूरत होती है तो कोई नहीं मिलता है। और सिगरेट पिया कर। गौरी, गौरी, मौसी, अरे एक बार चाचा, एक घंटी भी नहीं लगा सकते, इतने कंजूस हो गए हो। गौरी, मौसी, गौरी, गौरी, अरे यार कितनी देर से तुमको बुला रहा हूं। अच्छा अकबर चाचा है क्या? एक्चुअली वो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट जाना है और फ्लाइट मिस हो जाएगी, मेरा बाप मेरी लेगा यार। भाव मत खाओ यार, मैं जानता हूं मैं 6 महीने बाद आ रहा हूं, तुमसे मिला नहीं। अच्छा अगली बार आऊंगा तो जरूर तुम्हारे साथ पूरे दिन बैठूंगा, प्रॉमिस। अच्छा मेरी माँ माफ कर दे। तुम्हें पता है रणबीर तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नहीं बताओ। तुम सब कुछ अपनी मर्जी से चाहते हो, अपने टाइम से, कभी दूसरों के बारे में सोचा है तुमने? कोई नहीं है, सब चले गए, माँ बाबा अकबर चाचू सब। मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनना अच्छा नहीं लग रहा। एनीवेज तुम जानती हो वैसा नहीं है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, और अगर मैं नहीं जाता तो मैं यहाँ रहता इस सर्वे हुए शहर में मेरे साथ। लाइफ में प्रैक्टिकल होना जरूरी होता है, प्यार से पेट नहीं भरता, और ये सब बातें फिर करना जरूरी है क्या? I know, they will kill me. नहीं। अच्छा ये बताओ कहाँ है सबके सब है? I mean, क्या तुम्हारा फिर से सबके साथ झगड़ा हुआ है? सबको सब कुछ पता चल गया। आई नो कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी, पर मैं इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। यू नो तुम्हारे चीखने से पहले सबको पता चल जाता है कि तुम्हें जुकाम है। दिस इज ग्रेट यार, आई मीन छोड़ो यार, मुझे तुम्हारा फोन यूज करना है। लाइन कट गई। मोबाइल हैंग हो गया। कब से? 6 महीने से। 6 महीने से तुम्हारा फोन डेड है, अनबिलीवेबल। बाहर घंटी नहीं है, यहां फोन डेड है, और तुम किसी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की हीरोइन की तरह यहां खड़ी हुई हो। आई मीन कलर टीवी के जमाने में तो आ जाओ। तुम्हें नहीं पता टुडे इज नो टीवी डे, नो एसी डे एंड नो इलेक्ट्रिसिटी डे। तुम लोग रहते कैसे हो यार, समझ नहीं आता। कोई नहीं रहता यहाँ। क्या बोल रही हो, तुम हो, मौसी हो, अकबर चाचा हैं, सब चले गए। कब, कहाँ? मेरे जाने के बाद उनसे सहा नहीं गए। मेरे जाने के बाद? अरे नौटंकी, मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपना घर छोड़ के चले जाएं। बेवकूफ, तेरे जाने के बाद नहीं, मेरे जाने के बाद। तेरे जाने के बाद? अरे यार तू कहाँ गई है यार? मैं मर गई। मजाक, गौरी मजाक मत कर। ये तो तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तुझे हर वक्त लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। उस दिन मैं तुझे रोकती रही कि मत जा, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी, अपने फायदे के लिए चला गया। सबको पता था माँ बाबा कहीं के नहीं गए, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी, और ये देखो मेरी हालत। अब तू सोच रहा होगा इसमें मेरी गलती थोड़ी है, वीडियो बनाने के लिए तो मैंने कहा था, पैसे तो मुझे कमाने थे, सबने वीडियो देख लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे पता नहीं था हालत इतनी बुरी थी। इतनी बुरी कि सारे लोगों ने घर छोड़ दिया और उन सबको मुझे छोड़ना पड़ा। छोड़ना पड़ा? और ये सब तेरी वजह से हुआ है, ये सबका जिम्मेदार सिर्फ तू है। मैं कुछ नहीं किया, हम दोनों को पैसे की जरूरत थी। अगर
हमेशा की तरह, सिर्फ हमेशा की तरह अपने बारे में सोच रहा है तू। अब देख इसका अंजाम क्या होगा, तुझे नहीं पता। बात तो तेरी सही है, तेरे इस भूतिया बंगले का व्यू तो बहुत अच्छा है। साहब जी मैं कह रहा हूँ जल्दी से निकलो यहाँ से, लोग ना बहुत बातें बनाते हैं इस जगह की बहुत। साले तू इसीलिए अवलदार है, अरे लोगों की बातें क्यों सुनता है? और क्या यहाँ पे कुछ भी नहीं, हम मूत के आते हैं। मूत रहे हो सर, मेरा तो संडास निकल रहा है यहाँ पे। सिंह, अरे क्या तुम भी डर जाते हो? चलो वो कार एक्सीडेंट का पंचनामा बनाते हैं। बेचारा लड़का आया था अपनी फैमिली से मिलने, वो भी इतना टाइम बाद। कौन बताएगा इसके माँ बाप को कि वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया।